हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी स्पेशल एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो। आज स्पेशल एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कैसे मुद्दे पे, कैसे सब्जेक्ट पे जिस पे चर्चा करना ओवर द टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वेल, इस पे चर्चा तो होती है, सोशल अवेयरनेस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर द टाइम इस पे दिन ब दिन चर्चा करना और अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। वेल, बिजनेस कहें, फिनेंस कहें, पॉलिटिक्स कहें, एंटरटेनमेंट कहें या फिर एजुकेशन कहें, ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज आर अंडर वन रूफ, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। एंड ओवर द वर्ल्ड, ओवर द टाइम एक्चुअली द वर्ल्ड of social media has changed over the years and it has been so difficult to stay on top of the game, right? Social media has been the voice of audiences in the past and it has been a mass of actually a medium of mass movements, lekin ab ek daur badal chuka hai, social media ke jitne advantages hain utne zyada usse kahi zyada disadvantages hum dekh rahe hain, maybe people making bullying, harassing, ho sakta hai ki social media accounts pe kafi unhe troll kiya jata hai, iske sath stalk kiya jata hai fake profiles banakar, bahut sare pros and cons hain social media ke, and to discuss lot more about social media today we have the digital communication guru and सोशल एनालिस्ट मिस्टर अजीत पारसे। मिस्टर अजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर अंडर वन रूफ हर कोई है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी सोशल मीडिया को आप किस तरह देखते हैं? सोशल मीडिया को हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, है ना। आज स्मार्टफोन ने, सस्ते इंटरनेट ने, और ये दो साल जो कोरोना में गए है उसमें जो अवेयरनेस बढ़ा है, उस हिसाब से ना एवरी वन इज अ जर्नलिस्ट एक्चुअली। जिसके पास में स्मार्टफोन है उसको इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करना पता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना पता है। अगर हम ये दो साल में अगर ऑब्जर्वेशन करें या पाँच साल में ऑब्जर्वेशन करें तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि मेरी समस्या का अगर मैं फोटो निकालूँ और मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट पर डालता हूँ तो उस पर इमीडिएट एक्शन होती है रादर देन प्रोवाइडिंग एन एप्लीकेशन। यानी लोगों का अवेयरनेस सोशल मीडिया के प्रति कम्युनिकेशन टूल करके तो बढ़ चुका है, पर जैसा हम लोग हमेशा देखते हैं कि अच्छी और खराब हवा एक साथ चलती है, तो सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज के साथ में ये निगेटिव यूज भी बहुत बड़ा हुआ है। अब उसका बेसिक रीजन ये है कि एक 85% लोग ये कंसिडर करते हैं कि सोशल मीडिया इज फॉर एंटरटेनमेंट। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए है ही नहीं। सोशल मीडिया इज अ कम्युनिकेशन टूल, वेरी ट्रू। इसको हम हिंदी में कहेंगे कि सब लोगों को चारों तरफ से अगर संवाद बढ़ाना है, कम्युनिकेशन करना है, तो उसका फ्री प्लेटफॉर्म है। हम लोग या एवरेज यूजर क्या करता है, सोशल मीडिया को देखता है एंटरटेनमेंट के हिसाब से। वो अपने प्रोफाइल पे कम काम करता है, दूसरे के प्रोफाइल में ज्यादा आरएनडी करता है। हम लोग अगर बाहर के देशों में देखें, यूएसए में अगर हम देखें, तो एक 14-15 साल का बच्चा घर से $2 लेता है, इंटरनेट कैफे में जाके बैठता है और पार्ट टाइम जॉब ढूंढता है सोशल मीडिया के ऊपर में। वहीं हमारे यहाँ का 14-15 साल का बच्चा देखिए वो सोशल मीडिया पे क्या करता है, ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया को हम लोगों ने फैंटेसी जैसे लिया हुआ है। हर कोई यहाँ सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है। उसका फेसबुक का पेज या कोई भी पेज है वो उसका मुखपत्र है। यानी सब लोगों ने, मैं सेलिब्रिटी हूँ, लोगों ने मेरे बारे में जानना चाहिए, उसके लिए मैं वो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ डालते रहता हूँ। ये सब में क्या होता है, एक फैंटेसी क्रिएट होती है। और जो बेसिक पर्पज़ है कम्युनिकेशन का, इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, एक जैसे जो थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, इन सबका कम्युनिकेशन होना, ये उसका जो एक मेजर पॉइंट है या पॉजिटिव पॉइंट है वो हो जाता है साइड में। पर सबसे पहले हमको सोशल मीडिया, ये मेरा कम्युनिकेशन टूल है, इससे मैं स्टेट की कहिए, डिस्ट्रिक्ट की कहिए या देश की कहिए, जो मुख्य प्रवाह धारा है जहाँ एज अ सिटीजन मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरे को उसका यूज़ करना है। मुझे वहाँ से एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन लेनी है, मुझे वहाँ से मेडिकल की इन्फॉर्मेशन लेनी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लेनी है। हम लोग क्या करते हैं, आज पिज्ज़ा कौन सा खाया वो डाल रहे हैं, हम आज घूमने कहाँ गए वो डाल रहे हैं, उससे फिर इनसिक्योरिटीज तैयार होती है। जैसे फैमिली लेवल पे लड़कियों की अगर अपन बात करें, इमीडिएट शेयर कर देती है कि मेरे माँ पिताजी बंगलोर गए, वी आर मेकिंग पिज्ज़ा पार्टी। आज जो क्राइम बढ़ा है उसका मेजर रीज़न है सोशल मीडिया का मिसयूज़। शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा 2-3 एग्जांपल कि मैक्सिमम क्राइम होने के पहले, पिछले ज़माने की अगर अपन बात करें, आज से 15 साल पहले की, तो एक रेकी नाम का सिस्टम आता था। यानी ये जो चोर रहते थे या जो क्रिमिनल्स रहते थे तो रेकी करते थे किसी घर की, यानी सवेरे से शाम तक उसको देखना, उसके फैमिली का बैकअप निकालना, किसी घर में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितना सोना हो सकता, कितनी गाड़ियां हैं। आज ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम खुद ही सोशल मीडिया पे डाल देते। जब हम फोटो शेयर करते हैं, जैसे चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे, बीच में एक चैलेंज मैंने जो सुना था, नौवारी चैलेंज आया था कि नौवारी पहन के अपना फोटो डालो करके, ठीक है, सब लोग उसमें, लाखों लोगों ने फोटो डाले, फिर वो नौवारी पे मैच करने के लिए वो मोहन माला बोलते शायद सोने की, वो भी डाल दिए।
ऐसा करके आपने आपके घर में कितना सोना है खुद ही बता दिया। आज चोरों को अगर कुछ करना है तो उनको रेकी करने की जरूरत नहीं है, आपका सोशल मीडिया का अकाउंट खोल के देख लेते हैं। हम लोग वहाँ बिंदास इन्फॉर्मेशन शेयर करते कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं फॉरेन जा रहा हूँ, ये मैंने नई मर्सिडीज लिया, ये मैंने मारुति लिया, ये मैंने बाइक लिया। यानी आज अगर कोई मेरे यहाँ कुछ करना चाहता है तो उसके पास में मेरे पोस्ट के ऊपर से उसका पूरा हिसाब किताब रहता है कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितने बार फॉरेन गया हूँ, मैं कितने बार घूमा हूँ, मेरे पास गाड़ी कौन सी है, मेरे घर में यंग लोग लड़कियाँ कितनी हैं, सीनियर सिटीजन कितने हैं, मैं जॉब करने के मेरे टाइमिंग क्या है, मेरे बूढ़े माँ बाप घर में कब अकेले रहेंगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं ये एंटी सोशल एलिमेंट्स को सोशल मीडिया के माध्यम से परोस देता हूँ। और बाद में फिर मैं चिल्ला तो इनको पता कैसे चला ये कहाँ से आ गए। यानी यहाँ सोशल मीडिया का मेरे को यूज ही समझ में नहीं आ रहा है ना। एक बहुत एग्जांपल बेसिक मैं आपको पूछता हूँ। अभी आप यहाँ से बाहर जाएंगे, आपको रास्ते पे कोई ऐसा बंदा जिसको आप पहचानती नहीं है, उसने बोला कि मीनाक्षी मैडम मेरे को आपके 4-5 फोटो खींचने हैं, प्लीज़ आप मेरे को पोस्ट दीजिए, आप देंगे क्या? नहीं। देन सोशल मीडिया के ऊपर में हम जब हमारे फोटोज पोस्ट करते हैं तब हम इतने केयरलेस कैसे हो जाते कि इसको लाखों लोग देखेंगे जिनको मैं जानती नहीं हूँ करके, फिर उन फोटोज़ का मिसयूज़ होता है, फिर वही जो दुष्ट चक्र बोलते हैं उसको मराठी में वो स्टार्ट हो जाता है। सोशल मीडिया का अल्टीमेट पर्पज़ है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, हेल्प रेस करना। बीच में हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, उसको रिजल्ट भी आएगा, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी बातचीत चालू है कि हर एरिया में हर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो महिला आती है, जो वर्किंग वूमन है या नॉन वर्किंग वूमन है, इनके फेसबुक के ग्रुप्स क्रिएट करना जिसको ऑपरेट उस पुलिस स्टेशन की महिला करेंगी। उसको कोई भी प्रॉब्लम आता है, रात को 12:30 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हो रही है, वो अपना लोकेशन शेयर कर देंगी। तो ये फेसबुक का पॉजिटिव यूज़ है, बराबर है। रैदर देन हम पेंच घूमने जा रहे हैं, वो लोकेशन शेयर कर दिया, उससे तो ये ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कि रात को 12:30 बजे मैं ड्यूटी से वापस आ रही हूँ, मैं कॉल सेंटर में काम कर रही हूँ, नाउ पुलिस नोज, अब उस पुलिस को पता है उस डिपार्टमेंट की, और उस पुलिस को व्यक्ति के लिए ये भी पता होता है कि अब मेरे ऊपर इनकी जिम्मेदारी करके, बराबर वहाँ का जो चार्ली होता है या जो गाड़ी अराउंड पे होती है उसको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इसका हमने पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट किया हुआ है प्रताप नगर में, वहाँ सॉफ्टवेयर आईटी पार्क में जो काम करती हूँ उनके साथ में। तो बेसिक चीज़ वही है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। दूसरी बात, सोशल मीडिया आपके पर्सनल इमोशन शेयर करने के लिए नहीं है। आज बहुत सारी संगठित गुनहगारी जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, ये 2 साल में कोरोना के जब लोग घर में बैठे, मजबूरन कहिए या फ्री आवर्स में कहिए, सब लोगों ने सोशल मीडिया का अवेयरनेस इनका बहुत बढ़ गया। यस, ट्रू। तो उसके साथ में उनके दिमाग और अलग चलने लग गए, एक्चुअली बराबर है। कॉल सेंटर्स बने हैं कई, 5-7 कॉल सेंटर हमने खुद पकड़वाए हैं कि जहाँ पे अच्छे खासे पढ़े लोग दिन भर सिर्फ फेसबुक के ऊपर में, इंस्टाग्राम के ऊपर में आपकी पोस्ट सर्च करते रहते। अच्छा। कि उसमें कैटेगरीज इन्हें बना के रखी है कि कौन सी महिला ऐसी है जिनके हस्बैंड बिजनेस मैन है, बड़े पैसे वाले, जो 50+ है, घर में हमको दोपहर में फ्री आवर्स में मिलेंगी, जिनके हस्बैंड बाहर गाँव काम करते हैं, या ऐसे कौन लोग हैं जिनकी वाइफ इनके साथ में नहीं रहती है, वो डिवोर्सी है, ये वाइस वर्सा रहता है, यानी दोनों आदमी औरत ये दोनों को सर्च करते रहते हैं। उनके पोस्ट के ऊपर से उनकी साइकोलॉजी का अंदाज लगा लेते हैं। इसको कहा जाता है साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग। यानी उन पोस्ट के ऊपर से मैं उस यूज़र के मानसिकता का अंदाज ले लेता हूँ, उसके पोस्ट के ऊपर से मैं उसकी फाइनेंशियल ताकत का अंदाज ले लेता हूँ, और इस कॉल सेंटर के माध्यम से मैं 20-25-100-50 फेक प्रोफाइल बनाता हूँ और अप्रोच करता हूँ। हम लोग फिर अगर कोई क्रिमिनल ऐसा करेगा तो सबसे पहले वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि उन दोनों के पर्सनल इंटरेस्ट मैच होते हैं। Yes. क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है, सोशल मीडिया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, वो धीरे धीरे आगे जाता है, फिर पर्सनल इंटरेस्ट से डायरेक्ट शिफ्ट होते हैं मैसेंजर के ऊपर में, फिर मैसेंजर से शिफ्ट होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर में, फिर शिफ्ट होते हैं वीडियो कॉल में, और फिर रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। इनका पैटर्न इतना प्रॉपर होता है कि यूजर को वो उसी समय पकड़ते हैं वीडियो कॉल पे जब वो सबसे ऑकवर्ड मोमेंट में रहता है। उनको मालूम है रोज रात को 10 बजे के बाद शायद ये ड्रिंक्स लेता है, बराबर 10:30 बजे वीडियो कॉल करेंगे आपको। जब 10:30 बजे आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा क्योंकि आपकी रोज की प्रैक्टिस है, आप 10:30 बजे के बाद में रोज ड्रिंक्स लेते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे आदमी सब सवेरे मॉर्निंग में नहाना धोना पूजा पाठ करता है, ये तभी वीडियो कॉल करते हैं टू ट्रेस यू इन ऑकवर्ड पोजिशन। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो सोशल मीडिया के ऊपर में जब मैं उसको यूज़ करता हूँ, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये सबके में मेरे को केयर लेना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया ये मेरे पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए नहीं। सोशल मीडिया से और लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, एक दिमाग में फैंटेसी रजिस्टर्ड है कि सोशल मीडिया पे जो लोग मेरे को मिलेंगे, कल मेरी शादी होगी, लड़का या लड़की जो भी है, सोशल मीडिया को ये शादी राम घर जोड़े नहीं है कि शादी अरेंज करके देगा, वो सिर्फ पिक्चरों में होता है, शायद कि रियल लाइफ में भी होगा, बट एवरेज इसमें सोशल मीडिया ये शादी जमाने वाली एजेंसी नहीं। वेरी ट्रू। आज हम वहाँ अपनी पूरी लाइफ खोल के रख देते, कोई बंदा हमको मिलता है, बंदी हमको मिलती है, उसको प्रॉब्लम शेयर कर रहे, वो बैकड्रॉप में वो रिकॉर्ड करते जा रहा है,
वॉइस मॉड्यूलर सर्विस नाम के सॉफ्टवेयर आता है, उसमें सामने से आदमी बात करता है पर अपने को औरत की आवाज सुनाई आती है, उल्टा लेडीज के साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये सोशल मीडिया की अपनी जो पोस्ट है, ये पोस्ट के ऊपर से हम हमारी जिंदगी की किताब, हमारी जरूरतें, हमारे वीकनेसेस, हमारे स्ट्रेंथ, हमारी साइकोलॉजी हम सामने खोल के रख देते हैं। उसको जब सामने वाला इस्तेमाल करता है तो उसका अल्टीमेटली आउटपुट दो ही होते हैं, आइदर ब्लैकमेल और सुसाइड। क्योंकि एक लेवल तक फैमिली का बंदा खींच सकता है, उसके बाद में खींच नहीं सकता, नहीं खींच सकता। तो सोशल मीडिया का यूज और मिसयूज, इसके बीच में एक बहुत थीन लाइन है, बहुत ज्यादा। और ये थीन लाइन डार्क तभी हो सकती है जब अवेयरनेस है। अजीत सर, आप किस तरह रिकॉल करेंगे वो एक्साइटमेंट, वो इंटेलिजेंस को जब हम इंट्रोड्यूस हुए थे सोशल मीडिया से और अब की बार? आपको याद होगा सबसे स्टार्टिंग में ऑर्कुट आया था और उसके साथ में थोड़ा बहुत याहू चैट चल रहा था। उस समय 30 रुपए शायद पर ओवर देके इंटरनेट कैफे में बैठा जाता था, है ना, वो 30 रुपए का जुगाड़ करना। मेरे ख्याल से तब मैं शायद 11वीं 12वीं में था, मैं शंकरनगर में रहता था, शंकरनगर में कैफे था नहीं, तो मैं सदर में अशरफ टॉस में नीचे आता था। अच्छा, 30 रुपए लेके वहाँ और सिर्फ चैटिंग करना, है ना, और वो चैटिंग टाइम बडीज को ढूंढते थे या फिर दोस्तों, हां वही वो होता था। और एक एक्साइटमेंट कैसा था, आप उसको कहेंगे कि वो 90% प्योर था और 10% शायद कुछ और था एक्चुअली, बट जो 90% था वो एक एक्साइटमेंट था कि भाई मैं कोई अमेरिका के बंदे से बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल मेरी दोस्ती हो जाए, मेरे को बुला ले। क्योंकि ऑर्कुट के पहले कम्युनिकेशन का टूल था वो पेन क्लब करके, अगर आपको याद होगा कि लेटर्स भेजना, फ्रेंडशिप करना, ये सब चीजें था। तो सडन ये जो डिजिटल युग चालू हुआ, डिजिटल रिवॉल्यूशन अपन कहेंगे, तो स्टार्ट हुआ था ऑर्कुट के समय से। ऑर्कुट के समय से मेरा शायद अकाउंट नंबर ऑर्कुट का 00139 था, यानी नागपुर में 139 अकाउंट मेरा था ऑर्कुट का। तब कुछ भी पता नहीं था, कोई सब चैटिंग भी करते थे, उसमें कुछ लोग जो हमारे बैच के थोड़े ज्यादा फॉरवर्ड थे वो उस 10% कैटेगरी में आते थे, उनकी एक्सपेक्टेशन ऑर्कुट से कुछ और रहती थी। आज वो 10% जो है वो 99% हो गया है, और जो 90% था वो आज 1% हो गया। सो सैड टू से दैट एक्चुअली आप भी दिन ब दिन, जैसे आपने कहा कि कोविड टाइम के बाद से भी एक यूज़र का जो रेट है वो बहुत बढ़ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि दिन ब दिन हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर कोई अब इंटरनेट और सोशल मीडिया से अब एक इंट्रोडक्शन ले चुका है। घर बैठी महिलाएं जिन्हें नहीं आता था, पेरेंट्स जिन्हें नहीं आता था, उन्हें भी अब मोबाइल देकर सोशल मीडिया को एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए कि मैं खुद मेरे चाचा जी की बात करता हूँ, उनका रोज सवेरे काम था मेरे को फोन करके गालियाँ देना सोशल मीडिया के लिए बिफोर कोरोना। अच्छा, कोरोना जब लॉकडाउन लगे सब लगे, 6 महीने बाद में वो खुद कॉफी बना के सोशल मीडिया पे डाले, मैंने देखा, सबसे पहले फोन उनको 4:30 बजे सवेरे किया, दिस इज हाउ कैसा चेंज कर दिया सोशल मीडिया ने। एक्चुअली जी जी बहुत सारी चीजें सब लोग बोलते हैं सोशल मीडिया, उसको मराठी में आभासी जगह ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर सोशल मीडिया ये विजुअल वर्ल्ड है तो उसके इफेक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे दिखते हैं? बराबर है, सोशल मीडिया क्राइम जो होता है वो भले ऑनलाइन हो पर उसके रिजल्ट ऑफलाइन क्यों दिखते हैं? इसका मतलब वो विजुअल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। कहीं कई सारे ऑफिसर को मुझे बोलते थे कि सोशल मीडिया में इतनी पावर नहीं है या उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है कम्युनल लेवल पे तो सबसे पहले इंटरनेट क्यों बंद किया जाता है? है ना, न्यूज़पेपर बंद नहीं होते, टीवी चैनल्स बंद नहीं होते, वहाँ इंटरनेट, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना, क्योंकि इन सब मीडिया से फास्ट काम कर रहा है सोशल मीडिया। आज अगर सब मीडिया अपने अपने जगह प्रॉपर है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, परंतु आज न्यूज़पेपर कुछ अगर छापता है तो मैं उसको रिप्लाई दे नहीं सकता, टीवी चैनल मुझे कुछ दिखाता है मैं उसको रिप्लाई दे नहीं सकता, पर फेसबुक के माध्यम से मेरे को कोई कमेंट आती है तो मैं उसको रिप्लाई दे सकता हूँ। यानी सोशल मीडिया ने मुझे फ्रीडम दी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन बेस्ट पॉसिबल वे। तो इसीलिए इसको जितना पॉजिटिव ले लेंगे हम लोग फायदे में रहेंगे। जी जी, अब जो इस तरह से सिनारियो चेंज हुआ है और फेक प्रोफाइल्स बहुत बनाई जा रही है, हर तबके लोग फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं, वो चाहे टीनेजर्स हों, वो चाहे एडल्ट्स हों, अब सर किसी के मायने अलग होते हैं। हार्मफुल एप्लीकेशंस बहुत आ गई हैं, इसका जो है दुष्परिणाम बहुत बढ़ता जा रहा है, और अब तो बच्चों के हाथ में मोबाइल एक मजबूरी हो गई है क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो गई है। तो इसमें बच्चे अब इंट्रोडक्शन एक मिल गया है सोशल मीडिया का। मैं अगर अपने बच्चे की बात करूं, शीज इन एकदम छोटे क्लास में, उन्हें मोबाइल नहीं समझता था, यूज सिर्फ गेमिंग तक होती थी, लेकिन अब जब ऑनलाइन स्टडी शुरू हो गई है तो व्हाट्सएप पे टीचर लिंक भेजती है,
उसके बाद दूसरे शॉर्ट वीडियोस आते हैं, ये सारी चीज़ों में इंट्रोडक्शन, तो उनका जो लेवल था समझने का, जो बाद में हम कॉलेज के बाद हमें हाथ में मोबाइल मिलता था, अब तो उन्हें वो हमें समझा रहे हैं कि मामा ये कुछ नया आया है, तो ये तो बहुत जी। अभी आपने आपकी बच्ची की बात की है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वो ऑनलाइन गेम खेलती है? जी ऑनलाइन ऑफलाइन, हाँ बराबर है। ऑनलाइन गेम में सबसे बड़ा थ्रेड बच्चों को होता है, आपको बताता हूँ कि जैसे 10-12 साल का अगर बच्ची है, बच्चा जो भी है, जब गेम खेलते हैं ना तो लाइव गेम्स होते हैं, बराबर। जैसे यहाँ हमारा बच्चा यूजर है, वहाँ कोई दूसरा बच्चा यूजर है, हम सब कंसीडर करते ठीक है, वी कंसीडर करते हैं हम कि जैसे मेरे 10 साल की बच्ची है तो वहाँ कोई और 10 साल की दूसरी बच्ची है, वहाँ कोई क्रिमिनल बैठा हो सकता है जी, हो सकता है ना, वो क्रिमिनल फिर उनको चैटिंग करते करते गेम में, जब ऑनलाइन गेम्स में चैटिंग चलता है वो उनको पूछता है आपका नाम क्या है, उनके सवाल का पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स लोग बोलते हैं गेम खेल रहे चलो जल्द, वर्क फ्रॉम होम है, उनके खुद के दिमाग खराब हुए सबके पेरेंट्स के, तो बच्चा जितना देर मोबाइल में रहे उनको कंफर्टेबल है। वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि आपके माँ पिताजी क्या करते हैं, आपके घर में कौन सी गाड़ी है, वो अगर मारुति 800 बोलेगा सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं, 10 साल का बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, नहीं बराबर है, उसको खुद को गाड़ियों का अट्रैक्शन होता है, टू व्हीलर कौन सी है जी। फिर उसके बाद में पूछते आप फॉरेन घूमने गए थे क्या जी। ऐसी पूरी इन्फॉर्मेशन वो गेम खेलते खेलते बच्चों से ली जाती है और फिर टारगेट फिक्स होता है। सामने वाला आदमी वो 10 साल के बच्चे के साथ में इतना साइकोलॉजिकली खेलता है, पहले हारता है, हारते जाता है, फिर उसकी इंटरेस्ट जानते जाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर एड्रेस पूछता है, फिर व्हाट्सअप नंबर लेता है, फिर आपका व्हाट्सअप नंबर लेगा, या ऐसा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स लोग जिम्मेदार नहीं है, बट लैक ऑफ अवेयरनेस, बच्चा मोबाइल हाथ में लेके है, सिर्फ गेम खेल रहा है पर गेम के अंदर क्या कर रहा है, लाइव गेम्स में चैटिंग होता है, होता है ना, तो उन वो उस चैटिंग को कहाँ लेके जाएंगे हम लोग जी, 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 है ना? जी, ये बात अलग है कि अभी ऑनलाइन मैक्सिमम चालू है तो मोबाइल हाथ में देना ही है, मोबाइल अवेयरनेस बढ़ गया है और प्रैक्टिकल अवेयरनेस कम हो गया है, पर इसको कोई सोल्यूशन अभी है नहीं। वेरी ट्रू। दूसरी बात, अगर अपनी यूथ की बात करें, कॉलेज के लड़के लड़कियाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने बहुत सी जगह बोला है कि आप जैसे है सोशल मीडिया पर वैसा रहे, फ्री के फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपको तभी मैंने बताया कि हम खुद को बहुत स्मार्ट करते हैं, हमारी आंखें किसी गिजरी हो जाती है। अब जैसे मैं सावला हूँ समझो, तो मैं वहाँ कोई मेक्सिकन गोरा दिख जाऊंगा, एक अलग प्रेजेंट किया, अलग प्रेजेंटेशन किया जाता है, मैं जैसा हूँ नहीं वैसा जी। उस मेरे पर्सनैलिटी को देख के जो लोग मेरे से अटैच होते हैं, ठीक है, फेक पर्सनैलिटी को देख के, मेरा नाम सही है, मेरा काम सही है, मेरा सब चीज़ सही है, पर मेरी इमेज जो मैं वहाँ प्रेजेंट करता हूँ, मेरा पोर्ट्रेट जो मैं खुद को कर रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ इमेज या इन फॉर्म ऑफ वीडियो, वो फिल्टर्स यूज करके हाईलाइट की हुई रहती है। सोचो तो जो मेरी इमेज है ही नहीं, उससे अट्रैक्ट होकर जो यूजर मेरे से जुड़ता है, वो जो प्रैक्टिकली मुझे मिलता है या उसको कहीं से पता चलता है कि ये यहाँ जो दिख रहा है वैसा है ही नहीं, ये ऐसा है, ठीक है, तो उसको एक भावना आती है कि मेरे को फंसाया गया। ये नॉर्मल कोर्स में ठीक है, बट इफ इट्स अ रिलेशनशिप, लड़का लड़की किसी समझो इमोशन को लेकर अगर फेसबुक से एक दूसरे से अटैच हुए हैं और जब उनके सामने ये सिचुएशन आती है कि लड़का शायद उतना स्मार्ट हैंडसम गोरा नहीं है या लड़की उतनी स्मार्ट हैंडसम गोरी नहीं है, तो उनमें एक बहुत प्रबल भावना निर्माण होती है, उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वहाँ से आइदर वो रिवेंज फॉर्म में आता है, वो बदनामी करना स्टार्ट कर देता है, या तो फिर उन्होंने जो कुछ चैट शेयर किए रहते उसके स्क्रीनशॉट निकाल के ब्लैकमेल करते हैं एक दूसरे को, ऐसा करते करते ये जाता है डिप्रेशन की ओर और डिप्रेशन के बाद में सुसाइड की ओर। ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई है? फ्री वाले फिल्टर से। एक्चुअली इसलिए सबसे पहले मेरे को ये ख्याल में रखना है, मेरे भाई बहन रहे, बच्चे रहे, आप जैसे है आप वैसा खुद को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करो जी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूथ के साथ में। एक्चुअली है कार के बैकग्राउंड में फोटो निकाल रहे हैं, वो अंबाजी के पास में मैं कई बार देखता हूँ, शुक्रारी तला के पास देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे वो KTM लेके आते हैं, घर से झगड़ के कैमरे लिए हुए रहते हैं, उसमें फोटो निकालते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, ये अलग दुनिया इन्होंने अपनी बना ली है जो कहीं जाती नहीं है। एक्चुअली उसका आउटपुट कुछ भी नहीं है। वेरी ट्रू। सोशल मीडिया के ऊपर में हम खुद को ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे वो खत्म हो जाना चाहिए। ये अगर इसको रियल लाइफ में लाते हैं तो फिर सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, करियर खराब, फैमिली डिस्टर्ब, कई हम पुलिस के साथ में काम करते, हमने देखे कि तूने भैया चोरी क्यों किया पैसे की, 15 साल के बच्चे ने स्मार्टफोन लेने के लिए, स्मार्टफोन से क्या करेगा, फोटो निकालूंगा, चोरी क्यों किया, और क्या होता है ये छोटी छोटी रील्स बनती है। हाँ, ये एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ठीक है। हाँ। आप जितनी चाइना से आने वाली अगर रील्स आप अगर एक बार देखेंगे ना, हाँ। तो आप देखिए वो पूरी इंडस्ट्रियल रील्स होती है उनकी। हाँ। कि हम ऐसा प्रोडक्शन करते हैं, इस तरीके से हम मट्टी के बर्तन बनाते हैं, एजुकेशनल पर्पज इंडस्ट्रियल पर्पज की रहती है। और हमारी रील्स अगर आप देखेंगे तो हंसने की जगह कुछ नहीं है, या तो हंसो या तो कमेंट करो,
इसके सिवा कुछ नहीं होता है, ह्यूमर ज्यादा होता है। एक ऐसे वो कहीं पाइप से कूद रहे, बगीचे में कूद रहे, ये बहुत टाइप ऑफ रील्स है। ये रील्स पूरी दुनिया भर में देखी जाती है। जी जी, दुनिया भर में हमारी इमेज क्या जाती है बराबर है, वही हम करें। बाकी अदर जैसे एग्जांपल चाइना की बात करा, मैं चाइना को अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, आई एम अप्रिशिएटिंग देयर अप्रोच फॉर सोशल मीडिया। खुद वो फेसबुक नहीं चलाते पर मैक्सिमम उनकी रील्स फेसबुक पे आती है, व्हाई नॉट वी, यानी उन्होंने वो सोशल मीडिया का प्रॉपर पर्पस समझ लिया है। हम लोग अभी भी एंटरटेनमेंट ही देख रहे हैं, कॉस्मेटिक पार्ट देख रहे हैं सोशल मीडिया का। बाय, सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। अजीत सर, मैं यहाँ ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से एप्लीकेशंस हैं, या फिर अगर हम बच्चों की बात करें, हम डिफरेंट एक डिवीज़न बनाए कि बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, टीनेजर्स हैं, फिर बड़े उसमें आ जाते हैं, तो कौन से ऐप और कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए? सबसे मेन मेरे को ये देखना है कि वेबसाइट के ऊपर में जो www लिखा होता है उसके पहले HTTPS है क्या, वहाँ एस है या नहीं। एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी या सिक्योर्ड। Okay. अगर हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम सिर्फ टाइप कर देते हैं www, तो उसके बाद में एक लॉक का साइन आता है छोटा। इफ देयर इज नॉट लॉक साइन, दैट मींस दैट वेबसाइट इज नॉट सिक्योर्ड। अच्छा, ओके, सिक्योर्ड नहीं है, उसको SSL सर्टिफिकेट बोलते हैं। अच्छा। हम लोगों को पता नहीं होता है पर हैकर्स को पता होता है, और हैकर्स को उसका बहुत, उनको लॉक से नफरत रहती है क्योंकि वहाँ कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग जो वेबसाइट ओपन करते हैं, तो मेरे को कितनी भी बड़ी वेबसाइट है, मेरे को देखना ऊपर में लॉक है क्या उसके एड्रेस बार में। If there is no log, तो मेरे को पहले संभल जाना है कि भैया मैं कोई भी ट्रांजेक्शन करूँ या कुछ करूँ, तो मेरे को हिसाब से करना है। अननोन वेबसाइट्स के ऊपर में, शॉपिंग कार्ट के ऊपर में हम जब कोई ऑर्डर देते हैं और अगर वहाँ उनका एड्रेस अवेलेबल नहीं है या उनका मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को कैश ऑन डिलीवरी ही एक्सेप्ट करना है। मैं एडवांस में मेरा पे नहीं करूँगा। किसी भी वेबसाइट को मैं मेरे कार्ड की डिटेल शेयर करने नहीं दूंगा। उनको अलाउ नहीं करना है कि नेक्स्ट परचेज के लिए मैं सेव करके रखूँगा। और जब कोई हमको डिलीवरी देने आता है तो मुझे उसको मेरे पर्सनल नंबर से फोन नहीं करना है। ओके, जो मेरे को कॉल सेंटर का नंबर मिलता है मैं उसके थ्रू उससे बात करूँगी। राइट। ये जो फूड डिलीवरी वाले रहते हैं, हाँ, है ना, मैं किसी के मेहनत के ऊपर डाउट नहीं ले रहा हूँ, पर कॉल सेंटर के नंबर से रहते ही इसीलिए कि आपके पर्सनल नंबर और आपकी जो पर्सनल सेफ्टी वो सेफ रहे। राइट, तो मेरे को सब चीज़ें यूज़ करनी है। जी। एप्लीकेशंस हम जब कोई भी डाउनलोड करते हैं तो उसको हम जो ओके परमिशन अलाउ करते जाते हैं, तो उसके पहले मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल के ये देखना है कि मैं अलाउ क्या कर रहा हूँ। यस। अजीत सर, इसके साथ साथ सेक्सटॉर्शन के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, और डिजिटल फ्रेंडशिप जिससे आपने मेंशन की, ये बहुत बढ़ गया है। यहाँ इसके तरफ रुक जो एडल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सेक्सटॉर्शन इटसेल्फ, सेक्सटॉर्शन वर्ड खुद ही बताता है कि उसका काम क्या है। जी। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करके आप किसी भी इंसान के अंदर उसकी फैंटेसी को जागरूक करके एक्सटॉर्शन करना, मराठी में उसको बोलते हैं खंडनी वसूल करना। जी जी, ठीक है। फिर से अपन उसी मुद्दे पे आएंगे कि हमारे फेसबुक पोस्ट के माध्यमों से इन लोगों को हमारी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। एक्चुअली है ना,
हमारी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, Agreed. इससे पता चलता है जी. कई बार क्या होता है, जैसा फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बहुत सारे लोगों को जैसे गवर्नमेंट ने बैन किया है पॉर्न वेबसाइट, फिर भी उसको देखने की कहीं ना कहीं ये जुगाड़ निकाल लेते हैं. ठीक है, हम लोग यानी कोई उसको जब देखता है यूज़र उन साइट्स को, तो उसके बैकड्रॉप में कुछ सॉफ्टवेयर रन होते रहते हैं जो आपका इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं. ठीक है, उससे उनको चॉइस पता चलता है कि ये सामने वाला यूज़र है, ये दिन में अगर 10 बार कोई ऐसी क्लिप देख रहा है तो इसका मतलब उसका माइंड कितना परवर्टेड है. उनका वो प्लेन टारगेट होता है. लोकल लेवल पे अगर बात करें है ना, तो लोग देखते हैं कि ये आदमी पैसे वाला है, इसके बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, इसके पास इसका रूलिंग में पैसा है, ये मार्केट में ज़्यादा रहता है, तो उसके फेसबुक अकाउंट को ट्रैक किया जाता है. ओके, ठीक है, उसको लाखों हज़ारों फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज मार्क की जाती है, उसके पोस्ट के ऊपर से उसकी पर्सनैलिटी समझ में आती है, और एक साथ कई लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं. सौ फ्रेंड रिक्वेस्ट, अगर एक मैं पुरुष हूँ, मेरे को 100 महिलाओं के अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो मैं 5 तो रिसीव करूँगा, पूरी 100 तो मैं रिजेक्ट नहीं करूँगा. बराबर है, तो इसी तरीके से इसको फिशिंग एट लार्ज कहा जाता है. अच्छा, है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया इज अ साइकोलॉजिकल मीडिया. यस, है ना, तो इसमें से हम लोग को उस यूज़र को टारगेट किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसके इंटरेस्ट जाने जाते हैं. पहले हम फेसबुक पे, वो फेसबुक पे कनेक्ट होता है उस बंदे से, लड़का रहे या लड़की रहे, और अगर कोई मेल अगर इसमें विक्टिम हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूज महिला हो जी. वहाँ सामने से भी मेल ही होता है, वॉइस मॉड्यूलर सर्विस होता है, ग्राफिक इंटरफेसेस होते हैं, इस तरीके से वो उसको महिला की आवाज़ आती है जी. और फेसबुक के पोस्ट के माध्यम से उसको मेरे बारे में सब पता होता है. ओके. तो हम लोगों में कम्युनिकेशन वही होता है जो मेरे काम का है जी. है ना, तो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली वो हैंडल किया जाता है. एक जनरल इनका स्टैंडर्ड पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, इनको फेसबुक से व्हाट्सएप पे शिफ्ट होने के लिए 1 हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं लगता. बिल्कुल नहीं लगता, 1 हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं लगता. इमीडिएट व्हाट्सएप कॉल आते हैं, और वो इस तरीके से आते हैं कि अगर कोई मेल है तो उसको वो डिक्लाइन नहीं कर पाता. राइट, ठीक है, वो चारों तरफ से इतना प्रेशराइज होता है कि उस समय वो वीडियो कॉल एक्सेप्ट हो जाता है. हाँ. वो जो पर्सनल कम्युनिकेशन उनका वो हो जाता है. राइट, और फिर इसके बाद में वो दुष्ट चक्र चालू होता है. राइट, किसी और थर्ड पर्सन का फोन आता है कि भाई हमारे पास में कंप्लेंट आई है, आपका ऐसा ऐसा वीडियो हमारे पास में कॉल का आया है, वो हम यूट्यूब पर डाल रहे करके. फिर वो सब पैसा निकालना चालू हो जाता है. तो यूज़र को तो सबसे पहले ये ख्याल में रखना है कि यूट्यूब कोई ऐसा वीडियो डालने ही नहीं देता. सबसे मेजर, यूट्यूब पे आप एडल्ट कंटेंट पोस्ट कर ही नहीं सकते. ठीक है, परंतु उस समय वो साइकोलॉजिकली हैंडल करते हैं. एक के पीछे दूसरा फ़ोन, 20-20 बार फ़ोन, 30-30 बार फ़ोन, और छोटी छोटी अमाउंट रहती है इनकी. 2000 डालो, 2200 डालो, 2500 डालो, 1500 डालो, पेटीएम में डालो, तो आदमी सोचता है मेरे को 1500 रुपये देके मेरे दिमाग को शांति मिलती है, तो मिलने देगी. पर वो ये नहीं समझता कि वो 1500 रुपये में तुम्हारा ऑफिशियल बैंक अकाउंट नंबर उनके पास चला जाता है, एक्सेस एग्जीक्यूट हो जाता है. एक्चुअली यस, है ना. यस, तो हम जब किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, वो महिला रहे या पुरुष रहे, मेरे को सबसे पहले ये देखना है. बहुत छोटी सी एक प्रैक्टिस है, फॉर्मूला मैं सबको बोलता हूँ. मेरा नाम अजीत पारस है, मैं गूगल पे मगर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो उसने सबसे पहले गूगल में डालना चाहिए अजीत पारस कौन है. अगर मेरा नाम और मेरा फेसबुक का चेहरा अगर मैच होता है तो शायद मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट प्रॉपर है. Okay. अगर मेरे प्रोफाइल में मैंने लिखा है कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे फ्रेंड लिस्ट में सब अगर बैंड बजाने वाले लोग हैं तो इसका मतलब मैं प्रॉपर डॉक्टर नहीं हूँ. yes. यानी मैंने मेरा प्रोफाइल फेक डाला है. तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 2 मिनट में समझ में आ जाते हैं. है ना, कि वहाँ कोई क्वालिफिकेशन अपना लिखता है MBBS, और अगर फ्रेंड लिस्ट में जो लोग है वो MBBS लेवल की नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर डॉक्टर के मैक्सिमम फ्रेंड डॉक्टर रहना जरूरी है. डॉक्टर का फ्रेंड 500 वाला नहीं रहेगा. नहीं, बराबर है, या कोई फुगे वाला नहीं रहेगा. एक्चुअली है ना, तो मेरे को थोड़ी चीज़ें देखनी है. और गूगल ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे लिए रखा है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे को आती है, मैंने उसमें नाम डालना है, फोटो मैच होता है क्या देखना है, जनरली अवॉइड करना जिनके फेसबुक प्रोफाइल में बच्चों के फोटो है, फिल्म स्टार के फोटो है, बिल्डिंग के फोटो है, कारों के फोटो है, या फिल्म स्टार्स के फोटो है, इस टाइप की जिनके प्रोफाइल रहते उसको नमस्कार कर लेना चाहिए अपन ने. बिल्कुल, क्योंकि जो अपनी आईडी वहाँ दिखाना ही नहीं चाहता, बिल्कुल, उससे फ्रेंडशिप करके फायदा क्या है. जरूरी, अगर हम कंसीडर करें कि फेसबुक इज फॉर फ्रेंडशिप, तो उसको जो आदमी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, yes. उसको एंटरटेन करके क्या फायदा है. कई लोग फिल्म स्टार के फोटो रखते हैं, अमिताभ बच्चन का फोटो रखते हैं, अमिताभ बच्चन अजीत पारस को फ्रेंड रिक्वेस्ट काई के लिए भेजेगा. तो उन प्रैक्टिकल नोट्स पे आना चाहिए. वेरी ट्रू. फिर क्या, और हम एक्सेप्ट करके भूल जाते हैं फेसबुक की अगर 5000 की फ्रेंड लिमिट, फ्रेंड रिक्वेस्ट की अगर लिमिट है, और अगर 4500 मेरे फ्रेंड है, मेरे को सबके नाम नहीं पता है, तो वो बंदा जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो मेरा पोस्ट रोज दिख रहा है, वो रोज मेरी पढ़ाई कर रहा है मेरे बारे में कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल क्या है. बराबर है, तो इसलिए सबसे ये जो शुरुआत है, जड़ इसकी है फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से लेकर. तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते समय मुझे देखना है कि भैया वो रिक्वेस्ट करने वाला आदमी
हाँ। और उसका चेहरा वही है क्या, वही है क्या, वही से मेरे को शुरुआत करना है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अजीत सर, आपने जैसे कहा कि पोस्ट करने से पहले या फोटोग्राफ शेयर करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, इस पे अब एक नया एक मुद्दा आ चुका है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का। हम बच्चों के ऐसे पिक्चर्स पोस्ट करते हैं जो हमें लगता है कि वो चाइल्डिश हैं या फिर हम बहुत इनोसेंट तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अब उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज़ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये अब रिसेंटली बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के गैंग्स एग्जीक्यूट है, नागपुर में भी होगी शायद, है ना, हम न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। जब हम बच्चों की, जैसा आपने जैसा कहा, हाँ। या किसी भी टाइप के फ़ोटो, फॉर एनी टाइप, आज 2 साल का बच्चा समझो अगर वहाँ बिना कपड़ों का अगर खेल रहा है, हाँ। बराबर है, तो बीइंग अ सेंसिबल पर्सन हमको कुछ नहीं लगेगा, बराबर है, परंतु अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, समाज में इस विकृत मानसिकता के भी लोग हैं कि जिनका देखने का जरिया उसके लिए अलग होता है। पर्सनल फोटोग्राफ शेयर करने के लिए मैं हमेशा सबको बुलाऊँ मैंने कि व्हाट्सएप का डीपी, फेसबुक का डीपी, ये घर के बच्चों के और महिलाओं के फोटो कभी नहीं रखना। okay. या रखना है तो फिर आपको उसकी पूरी सिक्योरिटी मालूम रहनी चाहिए। okay. आपको प्रोफाइल लॉक करते आना चाहिए, आपको स्क्रीनशॉट बंद करते आना चाहिए, और अगर फिर भी कुछ कम ज़्यादा होता है तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब कंपनियों की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तगड़ी है। जनरली क्या होता है कि हमको थोड़ा सा अगर कुछ गलत दिखता है तो हम सिर्फ ब्लॉक करते हैं, वी ब्लॉक दैट पर्सन। हमको ये करना है ब्लॉक एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट पार्ट की तरफ हम देखते नहीं, हाँ, नहीं करते, सिर्फ उसको ब्लॉक करके छोड़ दिया, बराबर कि मेरे सर को तकलीफ हो रही है कुछ तो भी बोल रहा है करके हमने ब्लॉक कर दिया। और थोड़ा सा हमको ये भी ख्याल में रखना है कि एक अलग प्रकार की कम्युनिटी सोशल मीडिया पे चलती है, जो ऐसा बोलती है किसी भी चीज़ का वो खुद अपोज करते हैं, फिर उसमें हमको बोलने लगाते हैं और बाद में हमको उसमें इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात किया तो फेसबुक के ऊपर में कई कम्युनिटीज़ ऐसी बनी थी बीच में, हमने उसके बहुत उसके ऊपर काम किया, वो खुद चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अपोज करते थे, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर वो धीरे से बोलते थे, इसके बावजूद कुछ लोग शेयर कर रहे, हम आपको क्लिप भेजते हैं आप एक बार देख लो करके, इस तरीके से, क्योंकि प्योर साइकोलॉजिकल है सोशल मीडिया। तो हमको यहाँ संभल के ही रहना है, जब हमको ये पता नहीं कि भाई कहाँ से हमला होने वाला है तो हमको ये करना है कि हमको सबसे सेफ पहले खुद को होना है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को मैं ऑलमोस्ट मर्डर जितना इक्विवेलेंट मानता हूँ, बिल्कुल सही है, उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है, बिल्कुल सही, उसके माँ बाप की ज़िंदगी खराब हो जाती है जी। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करने वाले ऑफलाइन लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से उसका सर्कल बढ़ाना चाहते हैं जी, तो हम लोग कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे अपडेट करते हैं तो मेरे को ख्याल में रखना है कि मैं इन टाइप के लोगों को एक विक्टिम तो नहीं दे रहा हूँ, है ना, चीज़ें शेयर करना अच्छी बात है। अगर मेरे पेरेंट्स समझो आउट ऑफ इंडिया रहते तो मेरे को उनको मेरे बाल बच्चे दिखाने हैं तो मैं ईमेल भी कर सकता हूँ, या उस इमेज को या उस वीडियो को मैं फेसबुक के माध्यम से सिर्फ 2 लोगों को ही दिखा सकता हूँ, मैं उसको पब्लिक क्यों रखूँ, या उसको फ्रेंड्स क्यों रखूँ, मैं या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स क्यों रखूँ, अगर मेरे को मेरे माँ बाप को दिखाना है तो मैं सिर्फ उनके अकाउंट में दिखाऊंगा। तो ये जो सब फैसिलिटीज़ अपने को सोशल मीडिया ने दी है हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। मैक्सिमम व्हाट वी नो ओनली रिपोर्ट ब्लॉक, मेरे को ये बंदा परेशान कर रहा है, मेरे को अच्छी क्लिप्स नहीं भेज रहा, कुछ भी भलता भेज रहा है, इसको मैं ब्लॉक कर दूंगी। सिर्फ ब्लॉक करने से क्या होने वाला है, ब्लॉक एंड रिपोर्ट कीजिए आप। जैसा अगर 500 लोग ब्लॉक एंड रिपोर्ट करेंगे तो फेसबुक कंपलसरीली उसको ब्लॉक करता है, परमानेंटली ब्लॉक करता है और उसको सोशल मीडिया का एक्सेस ही बंद कर देता है जी। अभी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इन सब के ऑफिस भी खुले हैं अभी, एक इनका ग्रीवेंस ऑफिसर यहाँ रखा हुआ है, उसकी डिटेल किसी को पता नहीं है। आज अगर मेरे को कोई तकलीफ दे रहा है मैं उसको ईमेल डालना चाहिए जी। हर चीज का हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, ब्लॉक, ब्लॉक कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। वेरी ट्रू। अजीत सर, यहाँ पर जिस तरह से व्हाट्सएप पे एनक्रिप्टेड रहते हैं, कहते हैं कि आपकी कोई चीज़ें शेयर नहीं होती, ऐसे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, कहते हैं कि फेसबुक इज़ वेरी सिक्योर, हर चीज़ पर कहते हैं सिक्योरिटी है, लेकिन क्या सच में हम सिक्योर हैं इन ऐप्स को लेकर? बिल्कुल सिक्योर है, 100% सब ऐप्स की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं नहीं नहीं, हम जो इस जो सोशल मीडिया जो ज्यादा यूजर है, अगर हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक इनकी बात करें, ट्विटर की बात करें, यहीं पर ज्यादा बहुत देखा जाता है हर किसी को, इंडस्ट्री को, बिल्कुल, तो इसकी बात अगर हम करें वो 100% सिक्योर है, क्योंकि सारी बातें सुन के कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी वाली बात आ जाती है, पर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। उसका रीजन ऐसा है कि सोशल मीडिया के ऊपर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इनकी सिक्योरिटी की बदौलत ही चलती है। Okay. हम लोग उसको स्टडी ही नहीं करते या उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। अब बीच में आपको मैं बात बताता हूँ, एक व्हाट्सएप ने एक फीचर लाया था फॉर सिंगल व्यू ओनली, मतलब फॉर वन टाइम व्यू ओनली, यानी कोई इमेज अगर कोई मैसेज भेजता है या कोई मैसेज अगर भेजता है या कोई वीडियो भेजता है तो वो मैंने देखे बराबर वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद वो मेरे मेमोरी में भी सेव नहीं होता है। व्हाट्सएप ने ये जब फंक्शन फीचर लाया था तो व्हाट्सएप का पर्पज़ ये था कि मेरी डिस्क स्पेस बचे,
है या फिर मेरे फ़ोन की मेमोरी ज़रा सेव हो जाए जी। हमारे उसका यूज़ कैसा हो गया, हमने किसी को पोर्न क्लिप भेजे, धमकियाँ भेजी, मैसेजेस भेजे फॉर सिंगल व्यू ओनली, वो देखे उसने देखे बार बार डिलीट हो गया, मेरा मैसेज उसको चला गया। यानी अब वापस वही चीज़ आ गई कि व्हाट्सएप का पर्पस क्या था कि स्पेस बचे, मेमोरी बचे, और मैंने उसको इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यानी अगर कल मुझे कंप्लेंट करना है किसी के, तो मेरे पास एविडेंस नहीं है। अगर कोई मुझे धमकी देता है फोन के ऊपर में, वीडियो बना के भेजता है, कोई पॉन वीडियो अगर भेजा नहीं किसी को और मेरे को कंप्लेंट करना है, तो मेरा दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता। आप कभी मोबाइल में ट्राई कीजिए, हम जब मैसेज भेजते हैं तो उसके साइड में एक वन ऐसा डिजिट लिख के आता है, उस वन डिजिट को प्रेस करके अगर आप भेजेंगी तो फॉर व्यू वंस ओनली आता है। वो आपकी मेमोरी में सेव नहीं होता, गैलरी में सेव नहीं होता, कहीं सेव नहीं होता है। आपने एक बार देख लिया, वो गायब हो गया। यानी अल्टीमेटली उसका यूज़ कैसा करना है हमारे ऊपर डिपेंड है। छुरे से आलू भी छीले जा सकते हैं, टमाटर भी काटा जा सकता है, आदमी को भी मारा जा सकता है ना। सोशल मीडिया ये दूधारी तलवार है, वो टू वे स्वॉर्ड है, उसको कैसा चलाना है अपने ऊपर डिपेंड है। उसका पर्पस अच्छा ही है, बट जैसे आपने सवाल पूछा कि सिक्योर्ड है क्या, ये 100% सिक्योर्ड है। मैसेंजर के ऊपर मैं अगर मैं मेरी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, यूज़र अगर अपनी फैंटेसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और सामने वाला उसको अगर मिसयूज़ कर रहा है, तो उसमें सोशल मीडिया कहाँ जिम्मेदार है। सोशल मीडिया पानी है, आईना है, जैसे हम वैसा सोशल मीडिया है ना, कम्युनिकेशन टूल है वो। उसको खुद की जान नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो उसको इस्तेमाल मेरे ऊपर डिपेंड है। अजीत सर, मुद्दा बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में जितना डिस्कस करेंगे उतना कम है। मैं आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन जाते जाते आज के इस एपिसोड में आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे बेसिकली दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले हमको दिमाग में ये रखना है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। सोशल मीडिया ये मेरे शादी के लिए नहीं है, सोशल मीडिया ये मुझे पर्सनल इमोशन शेयर करने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए है। उसके बाद में जो कोई हमारे देश में, स्टेट में, सिटी में या मेरे बिजनेस में जो कोई डेवलपमेंट्स आती है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे को करना है करके उसके लिए है। डिजिटल गवर्नेंस इंडिया में आया हुआ है। डिजिटल गवर्नेंस क्यों आया हुआ है? क्योंकि सस्ते स्मार्टफोन है, सस्ता इंटरनेट है, तो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप ये कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया को प्रमोट किया हुआ है, डिजिटल अवेयरनेस को प्रमोट किया हुआ है, तो मेरे को वहाँ यूटिलाइज करना है। हमने कई बार देखा हुआ है कि जैसा कोई किडनैप हो जाता है वो सोशल मीडिया पे डाल देता है, किसी के घर में वायलेंस हो रहा है वो लाइव डाल देता है, ये सब उसके पॉजिटिव व्यूज़ है। कोई बीच में हमने कई न्यूज़ पढ़ी थी, जब सुषमा स्वराज जी जब थी तो ट्विटर के ऊपर में कोई ट्वीट करता था उनको इमीडिएट हेल्प मिलती थी। यानी सोशल मीडिया ये आपको कनेक्ट करता है सिस्टम से, समाज से, जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ से, आपकी जॉब से कनेक्ट करता है, जहाँ से आपको जॉब मिल सकता है वहाँ कनेक्ट करता है। तो सोशल मीडिया को बेस्ट कम्युनिकेशन टूल करके हमको यूज़ करना है। मैंने खुद चीफ मिनिस्टर साहब को एप्लीकेशन लगाई हुई है, उसका बहुत फॉलोअप ले रहे कि 8वीं कक्षा से बच्चों को सोशल मीडिया इज़ अ कम्युनिकेशन टूल ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि जब वो 10वीं 12वीं में आता है तब उसको उसका यूज़ मालूम रहेगा। सोशल मीडिया को लेकर फैंटेसी और जो गलत फहमी है वो दूर होना बहुत ज़रूरी है। अनलेस एंड अंटिल ये चर्चा ऐसी चलती रहेंगी, सोशल मीडिया क्राइम के बारे में चलती रहेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल जाते जाते देना चाहूँगा कि हाउ वी कंसिडर सोशल मीडिया एज बिगेस्ट पावर। मैंने बार बार बोला है, जिसके लिए मेरे को बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रेडिक्ट भी किया है कि सोशल मीडिया हैज़ बिकम पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मेरा कोट है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको याद होगा एक निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, उसको तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 साल लग गए रिजल्ट में आने तक। उसको हम कंपेयर करेंगे डॉक्टर रेड्डी केस से जो हैदराबाद में हुआ था, द अनफॉर्चुनेट लेडी वॉज बर्न, उनको जलाया गया था। उसके बाद में हमने देखा कि कुछ ही दिनों बाद में उन बदमाशों का इनकाउंटर हो गया जी। अगर आपको याद है तो जी। कैसा हुआ था? क्योंकि सब यूज़र ने सोशल मीडिया के माध्यम से इतना हेवी प्रेशर बनाया कि ये पहली बार मैंने देखा है इंडियन हिस्ट्री में कि लोगों ने जो पुलिस वाला दिख रहा उसके उसके ऊपर फूल डाले थे। सोशल मीडिया ने सब इतना प्रेशर क्रिएट किया था सिस्टम के ऊपर में कि सबको पता था वो इनकाउंटर है, ऑल दो इट वॉज अप्रिशिएटेड। लोगों ने पुलिस वालों को फूल दिए, लोग पुलिस वाले के प्रति अलग सोचने लग गए, पॉजिटिव सोचने लग गए। यही चीज़ हम और एक बार कंपेयर करेंगे लॉकडाउन में, पुलिस की इमेज को लेकर थोड़ा सा लोग थोड़ा माइनस ही रहते हैं, उसमें एडिशन फिल्म्स जो रहती है वो एडिशन करती है जी। पर सोशल मीडिया में जब वीडियो वायरल हो रहे थे लॉकडाउन में, जब वीडियो वायरल हो रहे थे कि पुलिस बंदों को मार रही है, डंडे से पीट रही है, बराबर है, हम लोग हंस रहे थे। एक्चुअली क्यों हंस रहे थे? क्योंकि हमको समझ में आ गया था, सोशल मीडिया ने मेरे को समझाया कि भाई पुलिस भी इंसान है, आज हम घर में बैठे सेफली, वो रास्ते में बाहर बैठे। लोग रात को घर के सामने जो पुलिस वाला खड़ा रहता था, कौन है पता नहीं, उसको खाना दे रहे थे जाके, उसको चाय दे रहे थे जाके, कोई लेने देने नहीं था। ये वही पुलिस वाले कल तक जिनको गालियां मार रहे थे,
सोशल मीडिया ने इस तरीके से आप वो सब चीज़ें चेंज की है, यानी सोशल मीडिया आपके इमोशंस को चेंज करता है। अब इसको पॉजिटिव अगर चेंज करना है तो इसका पॉजिटिव यूज़ आवश्यक है, इसका अगर निगेटिव यूज़ करेंगे तो उसका निगेटिव रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच अजीत सर, आपकी सारी जानकारियाँ कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को बहुत काम आने वाली है। हम अजीत सर से फिर और चर्चा करेंगे और कई मुद्दों पर, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है जहाँ पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। और अजीत सर कहते हैं कि सोशल मीडिया इज़ अबाउट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी मोर देन टेक्नोलॉजी, और बहुत सही बात है। हम कहते हैं ना जब डॉक्टर से बात करते हैं ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो कहते ना हादसे से पहले अगर आप सतर्क रहेंगे, अपनी चीज़ों को ध्यान देंगे तो शायद हादसा होते होते आप बच जाएं। बहुत सी चीज़ें हैं इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।